हेलो एंड वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स के एम्ब्रॉयडरी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सेडेड साटिन और लेड वर्क विथ थ्रेड। थ्रेड बहुत तरह के आते हैं, बुक बाइंडिंग थ्रेड, नॉर्मल थ्रेड, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी मोटे थ्रेड आते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। कपड़े के किनारे पर हम पहले प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पहले आपको ऊल के साथ लेड वर्क सिखाया है, आज हम सीखेंगे लेड वर्क विथ थ्रेड। यहाँ पर मैं क्रोशिया का जो धागा है वो ले रही हूँ। आप कोई भी मोटा धागा ले सकते हैं, पाइपिंग करने के लिए जो मोटा धागा आता है वो भी ले सकते हैं, बुक बाइंडिंग के लिए जो धागा आता है उतना मोटा भी ले सकते हैं, या फिर क्रोशिया का धागा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से एक सीधा लाइन बनाकर हमने फ्रेम अच्छे से फिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा धागा लेके हम प्रैक्टिस करेंगे दो तार वाली सिल्क थ्रेड से। तो जब आप लेड वर्क बनाने जाएं, धागे को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए इस तरह से थंब से दबा के रखें, डिजाइन के ऊपर धागे को दबा के रख के फिर नीचे से सुई को ऊपर लाना है। जो धागा है हमारा उसको एक तरह से बांधना है हमें, तो एक तरफ से सुई चुभो के दूसरी तरफ से निकालना है और उसके बाद उसे रिपीट करते जाना है। यानी जो धागा है हमारा उसे टोटल कवर कर देना है हमारे सिल्क थ्रेड से, धागे का कलर पता नहीं चलना चाहिए। जो कलर हम यूज करेंगे साटिन स्टिच बनाने के लिए उस कलर का ही पता चलना चाहिए। तो लीजिए मैंने एक लाइन बना ली है। अब जब लाइन ख़त्म हो जाए तो इस तरह से धागा इस तरफ है तो दूसरी तरफ से हम लेकर पीछे आ जाएंगे और देखिए पीछे भी साटिन स्टिच ऊपर जैसा ही दिखता है। और यहाँ पर हम दो नॉट्स बना के धागे को कट कर लेंगे। धागे को खींच के मत तोड़िएगा, सिल्क थ्रेड खींचने पर खराब हो जाता है। तो बस यही है हमारा लेड वर्क विथ थ्रेड। तो चलिए सेडेड साटिन का और लेड वर्क का मिक्स करके हम कुछ बनाते हैं। लेड वर्क विथ थ्रेड हम किस तरह से यूज करते हैं अपने डिजाइन में वो अभी देखेंगे। सबसे पहले इसका नेम भी लिख लेते हैं। आप पेंसिल या पेन से लिख सकते हैं हमेशा के लिए याद रखने के लिए। लेड वर्क विथ थ्रेड। तो लेड वर्क के लिए हमें दो तरह के धागे चाहिए, एक जो रनिंग धागा है यानी हम जो थ्रेड नीचे यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं सिल्क थ्रेड ले रही हूँ। आप कॉटन थ्रेड का, एंकर थ्रेड का भी यूज करके साटिन स्टिच बना सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए सिल्क थ्रेड अच्छा होता है।
हम इस तरह से थ्रेड के ऊपर साटिन स्टिच करके हमारा लेट वर्क बनाएंगे। ऊल का इस्तेमाल करना और थ्रेड का इस्तेमाल करना अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग तरह का होता है। आज हम ओनली थ्रेड से, मोटे और पतले दोनों तरह के थ्रेड से डिजाइन बनाना सीखेंगे। चलिए झटपट कुछ डिजाइन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर अंगूर का गुच्छा ड्रॉ कर रही हूँ और कुछ पत्ते भी बना लूंगी। तो ये हमारा डिजाइन बन चुका है। जो सर्कल हमने बनाया है उसमें मैंने दो दो भाग कर लिया है ताकि शेडेड स्टिच बनाने के लिए हमें इजी हो। और थ्रेड है हमारे पास, ये सब जो पतले पतले लाइन्स से स्प्रिंग्स जो बनाया है वो सब बनाने के लिए हमें धागे का, पतले धागे का यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेडेड साटिन से मैं अंगूर बना लूँगी। मैंने सेडेड साटिन इससे पहले के वीडियो में बताया है डिटेल, आप प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा। और देखिए इतने सुंदर से अंगूर के गुच्छे आप इजीली बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करें तो सेडेड स्टिच में दो अलग अलग धागे लेकर और एक डार्क और एक एकदम लाइट कलर लेकर प्रैक्टिस करें। और अब पतले पतले जो लाइन्स हैं हमारे उसको हम थ्रेड से बनाएंगे और जो पाइपिंग का धागा आता है हमारा ड्रेस के नेक डिजाइन करने के लिए हम पाइपिंग का धागा यूज करते हैं, उस मोटे से धागे से मैं लीफ बनाऊंगी। और जैसे जैसे मुड़ता जाएगा लीफ वैसे वैसे सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पर मैं दो कलर के धागे ले रही हूँ, पतले लेड वर्क के लिए लाइट ग्रीन और डार्क के लिए डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग टाइप का जो होता है उसे बना लेते हैं। तो देखिए अब हम जब इस तरह के डिजाइन्स बनाते हैं तो इसे हमें ओवरलैप करना होता है। धागे के ऊपर एक बार सिलाई किया हुआ है उसके ऊपर फिर से मोड़ के हमें सिलाई करना है। देखिए किस तरह से हमने धागे को मोड़ के सिलाई किया है ओवरलैप करके। आप एक्स्ट्रा जो धागा है उसे कट करने के बाद वहाँ पर भी सिलाई करके पूरा धागे को छुपाना है। देखिए कुछ इस तरह से नीटली आपको बनाना है दोनों सिरों में। अब हमारा स्प्रिंग वाला पतला डिजाइन कंप्लीट है और एक मोटा बाइंडिंग के साथ मैंने स्टेम बना लिया है। आप लीफ बनाने के लिए भी मैं बाइंडिंग थ्रेड का यूज करूंगी।
या फिर पाइपिंग थ्रेड, आप कोई भी मोटा धागा यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइपिंग थ्रेड से बना रही हूँ। कॉटन का ही धागा बहुत सारे मोटाई में आता है, आप कोई भी धागा यूज कर सकते हैं। और ये आपका 3D इफेक्ट वाला डिजाइन बनकर तैयार है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हार्टी कर्नर्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।